Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Study College, University of Allahabad. And in the series of discussing educational implications of various philosophies, yesterday I have discussed educational implications of idealism and naturalism, and this time I am going to cover the educational implications of realism and pragmatism. Both are very important philosophies, very relevant to educational world. The lecture will be in bilingual mode and it must be useful for you all. So let's start. कि बात हम कर चुके हैं सभी सभी प्रकार के दर्शन की, आपका आइडियलिज्म, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद और प्रयोजनवाद. इसलिए बस एक क्विक रिव्यू फिलोसफी का लेते हुए उसकी शैक्षिक दर्शन की बात कर लेते हैं, शैक्षिक निहितार्थ की बात कर लेते हैं कि शिक्षा में क्या दिया है इन दर्शनों ने, शिक्षा को क्या देन है इनकी. तो रियलिज्म या जो यथार्थवाद है वो एक तरीके से एरिस्टोटल साहब द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए एरिस्टोटल जी को, अरस्तु को रियलिज्म का जनक भी मानते हैं और वैज्ञानिक विधि का भी जनक मानते हैं. तो आप समझ सकते हैं कि रियलिज्म यानी यथार्थवाद और वैज्ञानिक विधि एक दूसरे के पैरेलल है. फिर रियलिटी, रियलिज्म के लिए रियलिटी क्या है? ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो वस्तुएं सत्य हैं जो आप अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जिनका प्रेक्षण कर सकते हैं. बेसिक नोशन क्या है रियलिज्म का? रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन माइंड. सबसे खास बात वो कह रहे हैं कि रियलिटी, वो रियलिटी यानी कि जो यथार्थ है, जो सत्य है, वो एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व होता है ह्यूमन माइंड से इंडिपेंडेंट. मतलब ह्यूमन माइंड से रियलिटी का कोई लेना देना नहीं है. हमारे मन में वो विचार है, हमने वो, हम उस चीज के बारे, ऐसा थोड़ी है कि हम किसी चीज के बारे में जानते नहीं है, हमारे मन में वो विचार नहीं तो वो चीज सत्य नहीं हो सकती. लेकिन आदर्शवाद ऐसे ही कहते हैं, आदर्शवाद कहते हैं कि हर वो चीज सत्य है जिसका विचार आपके मन में है. तो दोनों एक दूसरे के एकदम कंट्रास्टिंग है, आपका आइडियलिज्म और रियलिज्म. फिर इनके हिसाब से जो सत्य है वो वस्तुनिष्ठ है और उसका प्रेक्षण किया जा सकता है. दिस थीसिस होल्ड्स द रियलिटी, नॉलेज एंड वैल्यू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ह्यूमन माइंड. और इस वाद के अनुसार जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो मूल्य है, वो सब हमारे मन, मस्तिष्क के, हमारे विचारों से परे है, हमारे विचारों से स्वतंत्र है. विचार है कि नहीं, उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है. इन अदर वर्ड्स, रियलिज्म रिजेक्ट्स द आइडियलिस्ट नोशन दैट ओनली आइडियाज आर रियल. यही बात हमने आपसे पहले ही कह दी कि इस हिसाब से जो यथार्थवाद है वो आदर्शवाद के बेसिक नोशन को मना करता है, इनकार करता है कि वही चीज सत्य हो सकती है जो हमारे मन में है, जो विचारों में है. द रियलिस्ट अजर्ट्स एज अ फैक्ट दैट एक्चुअल स्टिक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स एग्जिस्ट वेदर और नॉट देयर इज अ ह्यूमन माइंड टू परसीव देम. तो इस तरह से जो यथार्थवादी हैं वो क्या कहते हैं कि एक्चुअल स्टिक्स मतलब कि कोई पत्थर है, कोई पेड़ है, ब्रह्मांड में कुछ भी है, वो एग्जिस्ट करता है. कोई जरूरी नहीं है कि ह्यूमन माइंड ने उसको परसीव किया हो या ना किया. ये बेसिक नोशन आपका रियलिज्म का रहा. शिक्षा में क्या दिया यथार्थवाद ने? एरिस्टोटल साहब कहते हैं कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी. वो कह रहे हैं कि शिक्षा क्या है? एक सुंदर स्वस्थ मनुष्य शरीर में सुंदर स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है. तो इसका मतलब कि ये रैशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, प्लस फिजिकल डेवलपमेंट की भी बात करते हैं. फिजिकल डेवलपमेंट से आपका शरीर सुदृढ़ होगा और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से आपका माइंड मजबूत होगा. फिर इसके अलावा शिक्षा क्या है? एजुकेशन शुड बी फन एंड इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट एंड एजुकेशन शुड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ इन द रियल वर्ल्ड. ये कह रहे हैं कि शिक्षा ये तो होनी ही चाहिए, इसके अलावा शिक्षा रोचक होनी चाहिए, मनोरंजक होनी चाहिए और बच्चे को विद्यार्थी को रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करे. मतलब संसार से परे, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी के लिए तैयार नहीं करना है. जो संसार हमको मिला है, जिसमें हम जीवन यापन कर रहे हैं, उसके लिए तैयार करना है बच्चे को. रियलिज्म कंसीडर द सेंस ऑर्गन्स एज द गेटवेज ऑफ नॉलेज. देखिए आपने नेचुरलिज्म में भी पढ़ा कि वो भी कह रहे हैं कि सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज. उसी तरह से रियलिज्म को मानने वाले भी कह रहे हैं कि जो ज्ञान इंद्रियां हैं वही ज्ञान के द्वार हैं, ज्ञान के फाटक हैं. इसलिए उन्होंने ज्ञान इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बहुत बल दिया है. तो चूंकि ऑब्जेक्ट सत्य है, चूंकि हमको अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्रेक्षण करना है, इसलिए जो मिल्टन है वो क्या कह रहे हैं कि एक्सकर्शन पर बल है, फील्ड ट्रिप पे बल है. बच्चे को घूम के सीखने दीजिए, उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने दीजिए, उसको क्लासरूम की चार चार दीवारी में बैठ के किताब से मत पढ़ाइए खाली.
तो ये जितना प्रोग्रेसिविज्म, ये जितना लिबरलिज्म शिक्षा में आया है वो रियलिज्म की वजह से आया है। इसके अलावा लॉक कहते हैं कि कैसे पढ़ाइए, कैसे सिखाइए बच्चे को, प्रेक्षण के द्वारा, घूम फिर के, अनुभव से। तो इनके लिए इन्होंने कौन कौन से जो मेथड्स हैं उन पर बल दिया है, लर्निंग बाई डूइंग यानी बच्चा करके सीखे, लर्निंग बाई सेल्फ एक्सपीरियंस बच्चा अपने अनुभव से सीखे। और इसीलिए जितना भी शिक्षा में वर्कशॉप, लेबोरेटरी ये सब आया है, लेबोरेटरी का काम, लैब का काम, लाइब्रेरी का काम, वो सब रियलिज्म की देन है, यथार्थवाद ने बताया, शिक्षा के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर यथार्थवाद ने बल दिया। रियलिज्म कंसिडर द ऑब्जेक्ट्स एज द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, सो दे स्टार्टेड टू यूज दीज ऑब्जेक्ट्स एज मीन्स ऑफ टीचिंग। चूंकि इन्होंने कहा कि हमारे जो अनुभवों के आधार हैं वो वस्तुएं हैं, इसलिए वस्तुओं से पढ़ाने पर बल दिया। इसलिए आप कह सकते हैं जितना भी टीचर ट्रेनिंग चल रहा है जिसमें TLM की बात की जाती है, TLM क्या, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, वो जो मॉडल चार्ट और इनके थ्रू पढ़ाया जाता है बच्चों को, वो आप कह सकते हैं कि यथार्थवाद से ही शिक्षा को मिला है। तो कितनी बड़ी देन है ये। फिर रियलिज्म गेव स्पेशल अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग, ही डिड नॉट एग्री विद वर्बलिज्म एंड सब्जेक्टिविटी इन एजुकेशन, इन ऑर्डर टू मेक द प्रोसेस ऑफ टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड यूजफुल इट सजेस्टेड द साइंटिफिक मेथड्स। यानी कि ये कह रहे हैं कि बोल बोल के मत पढ़ाइए, आप क्लासरूम में मत पढ़ाइए बच्चे को, वो कह रहे हैं कि आप बच्चे को साइंटिफिक मेथड से पढ़ाइए, जैसे कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो खुद करके सीखे, इंडक्टिव डिडक्टिव, वो खुद नियम बनाए, नियम का जनरलाइजेशन सीखे, वो प्रयोग करके सीखे, वो प्रेक्षण से सीखे, वो विश्लेषण संश्लेषण से सीखे, वो खुद से सीखे, मतलब अनुभव करके। इसीलिए सेंस ऑर्गन्स की ट्रेनिंग को बहुत बल दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि बच्चे को, हम पूरा वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, कि बच्चे को रटा के मत सिखाइए, मेमोराइज करके मत बिताइए, बिल्कुल इस चीज को उन्होंने नकार दिया कि बच्चा रट रट के याद करे। वो कह रहा है बच्चे को आप इतनी स्वतंत्रता दीजिए कि वो डिस्कवर कर सके नॉलेज को, और उसको इतनी स्वतंत्रता दीजिए कि वो जो सिचुएशन से चीजों को निकाल सके, और अथॉरिटी एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज ना हो, मतलब कि चूंकि टीचर ने कह दिया है इसलिए ये बात सही है, ऐसा बच्चा ना बने, वो खुद से सोचे, सीखे, लॉजिक करे, साइंटिफिक मेथड प्रैक्टिकल करे, एक्सपेरिमेंटेशन करे, और तब सत्य पे पहुंचे। तो इसका मतलब कि लर्निंग परमानेंट होगी अगर बच्चा करके सीखेगा। और इन्होंने इसीलिए जो आपका साइंटिफिक मेथड होते हैं, मतलब आप हाइपोथेसिस बनाइए, आप समस्या का चुनाव कीजिए, फिर आप परिकल्पना बनाइए, फिर आप प्रयोग कीजिए, फिर प्रयोग के रिजल्ट से आप हाइपोथेसिस को टेस्ट कीजिए, जो साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स होते हैं उन्हीं स्टेप्स की बात रियलिज्म ने भी की है। फिर तो क्या शैक्षिक निहितार्थ इसके निकल के आए कि एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन, प्रायोगिक शिक्षा पर बल दिया है, लिबरल और वोकेशनल एजुकेशन पर बल दिया है, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पर बल दिया है, सह शिक्षा पर बल दिया है, नए नए टीचिंग मेथड्स हमको रियलिज्म ने दिए हैं, टीचर ट्रेनिंग का कंसेप्ट हमको रियलिज्म ने दिया है, एक्सपेरिमेंट्स पे बल दिया है, बच्चा यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जा रही है, बुक लर्निंग को मना किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि रियलिटी जो है वो जैसे जैसे हमारे जीवन में चेंज आता है वैसे वैसे रियलिटी बदलती जाती है, जैसा कि प्रैग्मेटिज्म भी कहता है। फिर डिस्कवरी मेथड पे बल दिया है, स्कूल के सोशल नेचर पे बल दिया है, और विद्यार्थी और समाज दोनों को इम्पोर्टेंस दी है। तो आप समझ सकते हैं कि रियलिज्म का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन एजुकेशन के क्षेत्र में है। उसी तरह से दूसरी फिलॉसफी आपकी प्रैग्मेटिज्म। देखिए प्रैग्मेटिज्म का मूल क्या है, प्रयोजन, यानी हर वो चीज जो आपका प्रयोजन सिद्ध करेगी, हर वो काम, हर वो पढ़ाई, हर वो कार्य जो हमारे लिए फ्रूटफुल है वही इनके लिए सत्य है। तो प्रैग्मेटिज्म इज जनरली व्यूड एज अमेरिकन फिलॉसफी, अमेरिकन दर्शन के नाम से भी प्रयोजनवाद जाना जाता है। इसको एक्सपेरिमेंटलिज्म और कॉन्सिक्वेंशियलिज्म भी कहते हैं। क्यों एक्सपेरिमेंटलिज्म, क्योंकि प्रयोग पर बल है। क्यों कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस कहता है ना कि आप काम कर लीजिए, काम का परिणाम बताएगा कि काम अच्छा था कि बुरा था। Pragmatists hold that activity or experiment is done first and then on the basis of the result principles and ideas are derived. वो कह रहे हैं कि आप activity कर दीजिए, आप experiment पहले करिए, और फिर जो उसका result आएगा वो तय करेगा कि वो experiment अच्छा था कि नहीं था। अच्छा कब होगा? जब हमारा purpose solve करेगा तो अच्छा हो जाएगा। If a thing works in practice then it is valuable, desirable and should be upheld. वो कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं, हम जो प्रैक्टिस में है, वो अगर हमारे काम का है तो इसका मतलब उसका मूल्य है, वही हमारी इच्छा है और वही हमको करना है। तो इम्प्लीकेशन क्या निकल के आया कि नथिंग इज एब्सोल्युटली गुड, जैसे कि आइडियलिस्ट बताते हैं ट्रुथ ब्यूटी गुडनेस की बात करते हैं, वैसी बात प्रैग्मेटिज्म नहीं कर रहा है। वो कह रहा है एब्सोल्यूट गुड का मतलब कि वो हमेशा सही रहेगा, हमेशा अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ये क्या कह रहे हैं हमारी जरूरत के हिसाब से जो चीज़ है वो अच्छी है, इसलिए सिचुएशन के हिसाब से चीजें बदलती जाएंगी और हमारे लिए गुड का कंसेप्ट भी बदल जाएगा। फिर तो आप कह सकते हैं कि जो प्रैग्मेटिज्म है
वो मॉडर्न एजुकेशन से बहुत पास है, या आप कह सकते हैं मॉडर्न एजुकेशन बहुत कुछ प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड है। इट बिलीव इन चेंज इन एजुकेशन एंड अपोजेस ट्रेडिशनल एजुकेशन। तो इन्होंने जो हमारा पारंपरिक शिक्षण है उसका विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य खुद अपने आदर्श और मूल्य बनाएगा। इनके हिसाब से शिक्षा जो है उसको मनुष्य का कल्याण करना है, मनुष्य की वृद्धि करनी है, और केवल वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सर्वाइव कर सकते हैं इस दुनिया में उनके हिसाब से जो फ्लेक्सीबल हों, जो समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, चेंज के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लें। तो ये बात तो एकदम सही भी है। फिर तो टीचिंग मेथड इनके हिसाब से क्या अच्छे हो गए, लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड। देखिए डीवी साहब के शिष्य किलपैट्रिक थे और किलपैट्रिक साहब ने प्रोजेक्ट मेथड को लाया है शिक्षा में। तो प्रोजेक्ट मेथड होता क्या है, कई बच्चे कोलैबोरेट करेंगे किसी एक काम पे, तो बहुत सारी चीजें इससे सीख सकता है बच्चा। लीडरशिप सीखता है, कोलैबोरेशन सीखता है, क्रिएटिविटी सीखता है, काम की शेयरिंग सीखता है। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है वो प्रैग्मेटिज्म का ही देन है शिक्षा को। फिर यूटिलिटी इन द एजुकेटिव प्रोसेस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। क्या आप पढ़ाएं सबसे ज्यादा जरूरी, उन्होंने कहा कि वो जो काम का है, जो यूटिलिटी है, जिससे आपको कोई मतलब निकल रहा है, वो पढ़ाइए। स्कूल क्या करे, वो बच्चे को ऐसे अधिगम दे, ऐसे अधिगम अनुभव दे जो उसके लिए लाभप्रद हो। बिल्कुल आप पारंपरिक तरीके से मत पढ़ाइए, चैलेंजिंग रोल को स्वीकार कीजिए। और तो एक तरीके से जो प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी का उद्भव हुआ है वो आदर्शवाद और प्रयोग आपका प्रकृतिवाद में जो जो कमियां थी उसको ओवरकम करने की दृष्टि से हुआ। तो इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन प्रैग्मेटिज्म का क्या हो जाएगा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा एक कंटिन्यूअस यानी सतत रीऑर्गेनाइजेशन, रीकंस्ट्रक्शन और इंटीग्रेशन है। किसका, एक्सपीरियंस का। यही डीबी साहब की डेफिनेशन ही है कि एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, है ना। तो इसलिए शिक्षा को देन क्या हुई, प्रयोजनवाद किया कि आप उसको ऐसे अनुभव दीजिए जो उसके लिए बढ़िया, उसको आप बढ़िया, मतलब बढ़िया अनुभव उसको मिलेगा तो बढ़िया वो शिक्षित होगा और बढ़िया उसको प्रयोजन में अपने काम लाएगा। फिर इनके हिसाब से शिक्षा ग्रोथ है, वृद्धि है। इनके हिसाब से शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है। तो मतलब ग्रोथ का मतलब कि इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों की ग्रोथ होनी चाहिए। सोशल प्रोसेस का मतलब कि हम सोसाइटी को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, इंडिविजुअल और सोशल दोनों एम की बात करेंगे, है ना। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस की बात हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको प्रैग्मेटिज्म ने दिया है कि एजुकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड एजुकेशन इज द बर्थ राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल। देखिए ये प्रैग्मेटिज्म से पहले किसी फिलोसफी ने नहीं कहा था, और ये आज की प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, मॉडर्न एजुकेशन, हमारे यहाँ भी राइट टू एजुकेशन आ गया है कि शिक्षा जो है वो प्रत्येक बच्चे का अधिकार है और राज्य हमको शिक्षा प्रदान करेगा। ये पॉइंट हमको प्रैग्मेटिज्म देता है। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन प्रैग्मेटिज्म का ओवरऑल क्या आ गया, एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रायोगिक विधि से पढ़ाइए, एक्टिविटी सेंटर्ड यानी बच्चा करके सीखे, स्टूडेंट सेंटर्ड यानी छात्र के हिसाब से पढ़ाइए, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाइए, फील्ड ट्रिप्स कराइए, आप उसको लैब में काम दीजिए, लाइब्रेरी में काम दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग वो करके सीखे, समस्या समाधान की विधि से सीखे, और कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इतना सारा नया नया कंसेप्ट हमको प्रयोजनवाद ने शिक्षा में दिया है। तो प्रयोजनवाद तो आप कह सकते हैं ना कि पूरी मॉडर्न एजुकेशन ही प्रैग्मेटिज्म पे बेस्ड है मोर और लेस। तो प्रयोजनवाद का बहुत शैक्षिक निहितार्थ है, बहुत काम की है ये फिलोसफी। और आज का समाज ही ऐसा है कि जो आपके काम का है वो सही है, जो काम का नहीं है वो बेकार है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम प्रैग्मेटिज्म ही को मोर और लेस फॉलो करते हैं आजकल। तो ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हुआ आपका रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। तो अब आप आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म चारों का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन आपके सामने है, चारों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा उसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है। ठीक है, सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड these two philosophies and their educational implications too. So thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.